हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले एक्सेल के 5 अमेजिंग टिप्स, जिसे आप यूज़ करके बहुत हद तक अपने वर्क को इजी कर सकते हो और अपने टाइम को सेव कर सकते हो, और इस ये ट्रिक को यूज़ करके अपने डेटा इन्फॉर्मेशन को एक प्रेजेंटेबल मोड में दिखा सकते हो। सो एक्सेल में टिप्स नंबर 1 है, यहाँ पर आप देखेंगे मल्टीपल शीट्स, यहाँ पर अलग अलग शीट्स में ये डेटा है, सेल्स अमाउंट जो डी कॉलम में है, ये जो ऑनलाइन है, रिटेल है, ये मेरे शीट्स नेम है, और मैं चाहता हूँ कि इस एक छोटे से डैशबोर्ड में अगर कोई भी यहाँ पे शीट नेम सेलेक्ट करूँ तो ऑटोमेटिकली जो डी कॉलम में इसका सेल्स अमाउंट है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉपअप हो जाए। तो इसके लिए हम एक्सेल का एक टिप्स यूज करेंगे, एक ट्रिक यूज करेंगे, यहाँ पर इज इक्वल टू सम। सम में आपको यहाँ पे इनडायरेक्ट फंक्शन यूज़ करना है। इनडायरेक्ट फंक्शन हम इसलिए यूज़ करते हैं पर्टिकुलर किसी रेफरेंस को कैच करने के लिए या रेफरेंस को पिक करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ये शीट नेम ले लिया और एन परसन यूज़ किया, इनवर्टेड कॉमा में आपको यहाँ पे डी कॉलम आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि मुझे मेरा जो सेल्स अमाउंट है डी कॉलम में। अब सिंपल एंटर प्रेस करना और यहाँ पे आपका डेटा पॉपअप हो गया। तो यहाँ पे कोई भी आप शीट नेम या टीम नेम सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसका टोटल रेवेन्यू दिख जाता है। सो एक्सेल में टिप्स नंबर 2 हम देखते हैं, दिस इज माय डेटा। इस डेटा में आप देखेंगे सेल्स पर्सन, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस और सेल्स अमाउंट है। सेल्स अमाउंट बेसिकली सी मल्टीप्लाई बाई डी है। जैसे मुझे क्वान्टिटी 25 क्यू टी वाई इस तरह से लिखना है और अमाउंट को मुझे लिखना है INR 250। तो मुझे इस तरह से पूरी टाइपिंग यहाँ पे करनी, बट ये जो नंबर हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं ये एज अ टेक्स्ट कंसिडर कर रहा है, तो मेरा मल्टीफिकेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम एक्सेल का एक टिप्स यूज़ करेंगे। इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे और यहाँ पे कस्टम में आएंगे। कस्टम में आने के बाद यहाँ पे आपको 0 करना है स्पेस और इन्वर्टेड कॉमा में क्यू टी वाई क्वांटिटी आपको करना है, ओके, क्योंकि हमने फॉर्मेटिंग चेंज कर दिया। ये हमेशा नंबर में कंसिडर होगा ना कि टेक्स्ट में, क्योंकि हमने यहाँ फॉर्मेटिंग चेंज किया। सेम INR लाने के लिए आपको ये दोनों कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल 1 कस्टम और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में INR करेंगे, क्योंकि टेक्स्ट को हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में करते हैं जब भी नंबर के फॉर्मेट में लेना होता है, ओके। अब यहाँ पे 0 प्रेस करेंगे, ओके करेंगे। आप देखेंगे अगर मैं यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी लिखता हूँ, सपोज 15 क्वांटिटी लिखता हूँ और INR में 200 वैल्यू लिखता हूँ, तो अब ये मेरा एक नंबर में कंसिडर होने लगा। कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे एंटर करो, 35, 36 और 400। एक्सेल का टिप्स नंबर 3 हम देखते हैं। सपोज ये मेरा डेटा है, ये डेटा बहुत बड़ा डेटा है और यहाँ पे देखेंगे सी कॉलम में आपका टीम्स है और इस टीम्स का मैंने यहाँ पे एक फिल्टर बना दिया है कि अगर मैं कोई भी टीम यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, ऑनलाइन या फिर होलसेल्स, जो भी अगर टीम मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेटा मेरा पॉपअप हो जाए। तो इसके लिए मैं एक एक्सेल का फिल्टर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू फिल्टर और एरे में आपको ये पूरा डेटा सेलेक्ट करना होगा क्योंकि मुझे पूरा डेटा चाहिए, तो आप ये पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे। F4 से फ्रीज करना, आपको कॉमा करना है, कॉमा के बाद आपको ये टीम सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि मुझे टीम का फिल्टर चाहिए, टीम वाइज फिल्टर चाहिए। इसको मैंने सेलेक्ट करने के बाद F4 से फ्रीज किया, इज इक्वल टू दिस ड्रॉप डाउन, जो भी है, मतलब जो भी डेटा इससे मैच हो ऑटोमेटिकली वो फिल्टर करके हमें यहाँ पे पॉपअप कर दे। आपको सिंपल एंटर करना है, आप देखेंगे इस तरह से आपका डेटा आ गया। अगर आप यहाँ पे कोई भी फिल्टर में सेलेक्ट करते हैं, सपोज ऑनलाइन अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये ऑनलाइन का डेटा दे दिया, अगर मैं रिटेल का करता हूँ तो ये रिटेल का डेटा होगा। तो इस तरह से आप जो है कि फिल्टर फंक्शन से अपने डेटा अकॉर्डिंगली फिल्टर करके दूसरे शीट में ट्रांसफर कर सकते हैं। देखते हैं एक्सेल का टिप्स नंबर 4, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास मल्टीपल फाइल्स है, मे बी ये 100,000 फाइल्स भी हो सकते हैं, बट हमें कुछ ऐसा ऑटोमेट करना ताकि ये फाइल एक ही साथ कंबाइंड हो जाए। तो इसके लिए हम एक्सेल का एक टिप्स यूज करते हैं जिसका नाम है पावर क्वेरी। इसके लिए आप एक फाइल, न्यू फाइल ओपन करेंगे, यहाँ पे आप डेटा सेक्शन में जाएंगे। डेटा पे आने के बाद यहाँ पे गेट डेटा पे आएंगे, गेट डेटा पे क्लिक करने के बाद फॉर्म फाइल में फॉर्म फोल्डर, क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर फोल्डर से बहुत सारी फाइल को कंबाइंड करना एक शीट में, तो मुझे यहाँ पे ये फॉर्म्स फोल्डर सेलेक्ट करना होगा। तो मेरा फाइल में सारे फाइल्स पड़े हैं, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो जैसे आप क्लिक करते हो वहाँ पे एक पावर क्वेरी का एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा करना है। इसके बाद आपको देखेंगे यहाँ पे कंटेंट है, कंटेंट पे यहाँ पे जो ये एरो बना है इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे आप। अब जैसे ही क्लिक करते हैं एक पावर क्वेरी अपने आप ही बैकएंड साइड में रन करता है, एक क्वेरी राइट कर देता है और ये सारी फाइल एक साथ ही कंबाइंड हो जाता है। यहाँ पे आपको टेबल सेलेक्ट करना है, टेबल के बाद ओके करना है, ओके करते हैं आप देखेंगे कि सारी फाइल एक ही साथ कंबाइंड हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो सोर्स नेम है ये मेरे फाइल नेम है, इन फाइल नेम्स के अगेंस्ट में जितने भी कॉलम, ये कॉलम ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लिया। और यहाँ पे आप देखेंगे कि बैकएंड साइड में इसने एक कोड राइट कर दिया जिसे हम एम क्वेरी करते हैं, ये एक पावर क्वेरी का पार्ट है, तो हम इसको फ्यूचर में अगर इसके बारे में बात करेंगे तो हम इस पर डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए क्या करा कि इसने पूरे फाइल्स को यहाँ पे कंसोलिडेट कर दिया। अब मुझे सिंपल यहाँ पे क्लोज एंड लोड पे क्लिक करना है, क्लोज एंड लोड पर।
तो आप देखेंगे इस तरह से मेरे सारे डेटा यहाँ पे कंसोलिडेट हो गया और जो भी फाइल है वो फाइल के नेम आ गया। सपोज मेरा 3 फाइल है, अगर मैं इसमें एक फाइल और ऐड करता हूँ, इसको सिंपल मुझे बस रिफ्रेश करना होगा यहाँ से और ऑटोमेटिकली नेक्स्ट फाइल यहाँ पे, नेक्स्ट फाइल की जो एंट्री है यहाँ पे आ जाएगी। तो इसके लिए देख लेते हैं, इसी फोल्डर में मैंने एक मार्केटिंग का एक नया शीट और ऐड कर दिया और मुझे बस सिंपल जाना है उस फाइल में और इसको रिफ्रेश करना है। ओके, आप देखेंगे यहाँ पे मार्केटिंग का भी जो शीट्स का जो डेटा यहाँ पे कंबाइंड हो गया। और सपोज मुझे ये जो ऑनलाइन वाला शीट है, ऑनलाइन शीट में मुझे और एंट्री करनी है, तो ये ऑटोमेटिकली और एंट्री भी यहाँ पे ऐड। ऑनलाइन वाले शीट ओपन करता हूँ और ये शीट में मैं सपोज कोई ये 6 या 7 आइटम सेम यहाँ पे डुप्लीकेट कर देता हूँ और इसको सेव करके क्लोज कर देता हूँ। तो आप देखेंगे अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ अगेन, तो आप देखेंगे ऑनलाइन के जितने भी हमने डुप्लीकेसी एंट्री की थी ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉन्सोलेट हो गया। सो आई होप दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। सो बढ़ते हैं टिप्स नंबर 5 में। आप देखेंगे यहाँ पर सेल्स पर्सन या एम्प्लॉई के नेम है और यहाँ पे उसके वर्किंग डिपार्टमेंट ने कोई एचआर, कोई फिनांस ऑपरेशन, इस तरह से ये वर्किंग डिपार्टमेंट उनके हैं। और मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, जो भी पर्सन किसी भी डिपार्टमेंट में काम करता है उसका यहाँ पे उसका नेम आ जाना चाहिए और ऊपर यहाँ पे उनके हेड काउंट आ जाना चाहिए कि कितने रिसोर्स एचआर में, कितने रिसोर्स फाइनेंस में, इस तरह से। तो आपको सिंपल यहाँ पे फिल्टर फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, इज इक्वल टू फिल्टर। फिल्टर में आप पहले एरे में ये सेल्स पर्सन आई मीन एम्प्लॉय का पूरा लिस्ट लेना होगा और यहाँ पे F4 से इसको फ्रीज करेंगे, कॉमा कॉमा में जो एचआर फाइनेंस आईटी है उसका सेक्शन आपको यहाँ पे लेना होगा, ये पूरा सेक्शन इसको फ्रीज करेंगे आप। फ्रीज करने के बाद इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, इज इक्वल टू के बाद आपको यहाँ पे एचआर फाइनेंस जो भी है वहाँ पे एक पहला हेडर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इसको केवल रो फ्रीज करना है। तो इसके लिए आप F4 टू टाइम करेंगे, एंटर कर देंगे, तो आप देखेंगे कि उस डिपार्टमेंट का यहाँ पे नेम आ गया। और इसको अगर पूरा सेलेक्ट करके आप राइट कर देते हैं Ctrl+R, तो आप देखेंगे कि सारे रिसोर्स का यहाँ पे डिपार्टमेंट आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, आप एक काउंट A का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और ये थोड़ा नीचे तक हेडर एक्सटेंड कर देंगे और यहाँ पे इस तरह से कर देंगे, तो आप देखेंगे कि जितने भी डिपार्टमेंट में जितने रिसोर्स है और उनके हेड काउंट यहाँ पे आ गए। आई होप दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। प्लीज़ अप्लाई दिस टिप्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।